हेलो हेलो हेलो, वन सेकेंड। हाय प्रत्युष राज कह रहे हैं, लव योर, सॉरी वैभव गुंजाल कह रहे हैं लव योर इंट्रो स्किल्स मैन। थैंक यू वैभव। प्रत्युष लेट यार, मैं हो गया लेट क्योंकि मेरे घर का इंटरनेट चला गया था, बिजली चले गई थी आपकी। तो यार मुझे आज इंटरनेट थोड़ा रिस्की सा ही लग रहा है, पर ठीक है, अभी तो कनेक्ट हो गया और अभी शायद सही भी चल रहा है। मुझे चैट में बता दो कि मेरा ऑडियो क्लियर है ना। नहीं, बाय बाय, थोड़ी इधर ही हूँ। ठीक है, कूल। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। माय नेम इज राहुल शारदा और इस सीरीज का नाम है अंडरस्टैंडिंग फिल्म्स विद राहुल। आज हम एक बहुत ही यूनिक फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है नवंबर और ये फिल्म एक बाल्टिक कंट्री है नॉर्थ यूरोप में, एस्तोनिया नाम की, वहाँ से है ये फिल्म। तो इस फिल्म के बारे में बात करने से पहले हम हर बार की तरह थोड़ा कंटेक्स्ट समझेंगे, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, और हम एस्तोनिया के बारे में थोड़ी बात करेंगे और इस फिल्म के जो फिल्म मेकर है राइनार सारनेत, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिफोर वी बिगिन, मैं एक बार आपको राइनार सारनेत की थोड़ी फोटोज दिखाना चाहता हूँ। जो ओपनिंग में इमेज थी वो एक्चुअली नवंबर का जो प्रमोशनल सारा मटेरियल था उसमें से एक इमेज थी। उनका प्रोडक्शन डिज़ाइन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था फिल्म का, और अगर आप पोस्टर भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बहुत ही एक यूनिक अप्रोच लिया था उन्होंने मार्केटिंग को लेके भी। ठीक है, तो ये है फिल्म नवंबर और ये हमारे दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। इसके एक और पोस्टर था, ये इसका एस्तोनियन में पोस्टर था जो वहाँ पर रिलीज हुआ था, और ये इसका इंग्लिश में पोस्टर है। यहाँ पे रोलिंग स्टोन्स के फिल्म क्रिटिक डेविड फियर का इसका रिव्यू है, पार्ट ग्रिम फेरी टेल, पार्ट ईस्टर्न यूरोपियन फोकलोर एंड ऑल फीवर ड्रीम, इट्स एज ब्यूटिफुल एज इट इज प्रोफाउंडली वियर्ड। आई कंप्लीटली एग्री। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वियर्डेस्ट फिल्म दैट आई हैव एवर सीन। मतलब मैं इसको इरेजर हेड के लेवल पे रखता हूँ, पर मतलब इरेजर हेड में एटलीस्ट इसमें लेकिन कोई ऐसा कोहेरेंट प्लॉट तो है, इतनी भी एक्सपेरिमेंटल नहीं है। मतलब एटलीस्ट कुछ ऐसे स्क्रीन प्ले है इसका, पर स्क्रीन प्ले में भी जैसे वो कहते हैं ना कि इन अ गुड स्क्रिप्ट देर शुड बी एटलीस्ट थ्री थिंग्स हैपनिंग इन वन सीन, तो
तो इस फिल्म में आई थिंक एट एनी पॉइंट एटलीस्ट चार पांच चीजें हो रही होती है अलग अलग, बट समहाउ ऑल दोज फाइव थिंग्स आर कनेक्टेड टू दिस वन थिंग, और आप ये फिल्म देखोगे तो ही आप वो समझ पाओगे। इस फिल्म के नैरेटिव के बारे में मैं इसमें ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऐसा नॉन लीनियर तो नहीं पर नैरेटिव फोकस्ड फिल्म नहीं है ये। मतलब दिस इज मोर अबाउट द सिनेमाटोग्राफी, द पोइट्री, द लाइट्स, द परफॉर्मेंस, उस चीज में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है काफी। पर ये फिल्म बेसिकली सेट है 19th सेंचुरी में एस्टोनिया के एक विलेज में, और उस समय एस्टोनिया का मतलब हिस्टोरिकली भी उस समय जर्मन ऑक्यूपेशन चल रहा था एस्टोनिया का। एस्टोनिया को भी हम एक बार अगर हम उसका मैप देखें गूगल करके। तो ये एस्टोनियन फ्लैग है, मेरे को इसका फ्लैग भी बहुत अच्छा लगता है। और ये कंट्री है, ये इनकी कैपिटल है तलिन, जहाँ पे पूरा ओल्ड टाउन है। तो एस्टोनिया बेसिकली एस्टोनिया की हिस्ट्री ये थी कि मतलब आई थिंक 12th सेंचुरी से लेकर ये बाकी सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से कॉलोनाइज हो चुकी है, और ऑलमोस्ट हर टाइम पे कोई ना कोई दूसरी कंट्री इनको रूल करती थी। जैसे डेनमार्क ने इनको रूल किया हुआ है, एक पॉइंट पे स्वीडिश के रेन में थी ये, और सबसे जर्मन के रूल में थी, पर सबसे फेमसली ये सोवियत रूल के अंडर थी। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी उस समय ये सोवियत रूल के अंडर थे। सो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी जिससे इनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, पर वो जो एक मतलब दोनों वॉर्स के बीच में पीरियड था बस उसी समय ये इंडिपेंडेंट थे एज अ कंट्री। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में वापस जब जर्मनी का पूरा इन्वेजन हुआ, उस तरफ से रशिया का इन्वेजन हुआ, तो वापस एक्चुअली वही एक और एक सेकेंड। मेरा ऑडियो शायद सही नहीं है, आई थिंक अब सही होना चाहिए। अभी आ रही है आवाज ऑडियो की? हेलो हेलो हेलो, हाँ बानी चाहिए। ठीक है, कूल कूल कूल, मैं एक बार ये भी देख लेता हूँ। कान सी में इसका चाहिए तो है ही नहीं रहता। ठीक है, कूल 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 कूल। अच्छा एक सेकंड, अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सो सॉरी, मैंने बहुत ही एक स्टूपिड चीज कर रखी थी। ठीक है, आई थिंक अब दिखना चाहिए स्क्रीन। ठीक है, तो हाँ मैं पहले ये इमेज दिखा रहा था, ये उनके एक प्रमोशनल मटेरियल की इमेज थी जो उन्होंने बनाई थी एज अ पार्ट ऑफ द डिजाइन। और ये उनके दो पोस्टर थे, ये एस्टोनियन में पोस्टर था और ये इंग्लिश में पोस्टर था उनका। हम थोड़ा वापस एस्टोनिया पे आ जाते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में फिर जब वापस जर्मन इन्वेजन हुआ उस समय दूसरी तरफ से रशिया का भी इन्वेजन हो रहा था, तो वहां पर इनकी वापस ये सोवियत रूल के अंडर आ गए थे। और उससे फिर जब इनको इंडिपेंडेंस मिली, आई थिंक 1990s में इनको इंडिपेंडेंस मिली है। तो एक्चुअली ये बहुत ही यंग कंट्री है एक, और इसकी लोकेशन भी एक्चुअली बहुत ही फार आउट, जैसे आप बिल्कुल जो नॉर्डिक रीजन है यूरोप का वहाँ पर है। और सबसे क्लोजेस्ट इनका मतलब सबसे अच्छी रिलेशनशिप्स भी फिनलैंड के साथ ही है इनकी। तो ये इनका कैपिटल है तलिन और ये हेलसिंकी फिनलैंड का कैपिटल है। तो यहाँ एक मतलब इट्स जस्ट अ फेरी राइड अवे।
और रशिया से भी एक्चुअली बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। और मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि एक जो नारवा रीजन है यहाँ पे एक्चुअली एक रोड है जो रशियन टेरिटरी में होके जाती है। तो अगर कोई नारवा नाम का जो विलेज है अगर उनको अपने घर से काम पे जाना होता है तो वो रशिया की टेरिटरी में जो एक वो रोड है वहाँ से क्रॉस होके फिर काम पे जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो बस एस्टोनियन सिटीजन्स को वो एक रोड का एक्सेस दिया हुआ है रशिया में, पर वो भी काफ़ी रिस्की हो जाता है क्योंकि रशिया के साथ उनकी रिलेशनशिप हिस्टोरिकली बहुत अजीब रही है। तो ये है एस्टोनिया, और इनका जो एक्चुअल इनको रेवोल्यूशन इंडिपेंडेंस मिली थी तो वो एक पूरा प्रोसेस था सिंगिंग रेवोल्यूशन के नाम से। और एस्टोनिया जब हम फिल्म भी देखेंगे तो हम समझेंगे कि उनका कल्चर उनके फोक स्टोरी से बहुत इम्पोर्टेंटली लिंक्ड है, और उनके आर्ट से, उनके थिएटर से, उनके फोक म्यूजिक से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। तो जब इनका रेवोल्यूशन भी हुआ जो कि एक बहुत पॉलिटिकल चीज़ थी, तो वहाँ पर भी इन्होंने अपना रेवोल्यूशन सिंगिंग के थ्रू किया। इनका एक जो एस्टोनिया में सबसे बड़ा एक हॉल है वहाँ पर ये सब कलेक्ट हुए थे, और वहाँ पर इन्होंने एज अ कलेक्टिव अपना नेशनल एंथम गाया था, और उस समय फिर एस्टोनिया की एक नेशनल आइडेंटिटी बनना चालू हो गई थी, और तब मिलकर इन्होंने सोवियत रूल को वो भगा पाए थे। उसके बाद भी कुछ 5-6 साल लग गए थे, पर जब फाइनली इंडिपेंडेंट हुई एस्टोनिया तो उसके बाद से अभी तक एस्टोनिया बहुत ज़्यादा रैपिडली प्रोग्रेस कर चुकी है। जिस तरह से इन्होंने डिजिटल एज को भी एम्ब्रेस किया, जिस तरह से इंटरनेट को एम्ब्रेस किया इन्होंने, और इट वॉज द फर्स्ट कंट्री इन 2008 टू हैव नेशन वाइड इलेक्शंस ऑनलाइन। आप घर बैठ के फोन पे अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते थे, और आई थिंक उस समय कुछ 8% पॉपुलेशन ने फोन पे इलेक्ट किए थे अपने पॉलिटिकल लीडर्स। सो दिस वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट, एंड दिस वाज आल्सो द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर इंटरनेट एज अ ह्यूमन राइट। सो काफ़ी चीज़ों में इनके फर्स्ट है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि ये इन्वायरमेंटली भी बहुत अवेयर है, और पूरे यूरोप में दिस इज द टॉप 5 कंट्रीज जिनका जो फॉरेस्ट रिजर्व्स है दैट परसेंटेज ऑफ लैंड इज मोर देन द रेस्ट ऑफ द लैंड। तो एस्टोनिया में भी 51% जो लैंड है वो फॉरेस्ट रिजर्व है, और वो अनटच्ड फॉरेस्ट है, उसमें कोई कॉरपोरेशन जाके कुछ कर नहीं सकती, और वो कुछ भी नहीं छेड़ते उसका, बस बीच में उन्होंने ऐसे पाथ्स बना रखे हैं फॉरेस्ट में, बॉग्स में, और वहां पर ही वो घूमते हैं। पर 51% ऑफ द टोटल लैंड इज एक्चुअली फॉरेस्ट, अनटच्ड फॉरेस्ट। पर एस्टोनिया एक्चुअली है भी काफी छोटी कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। आई थिंक ऑन टोटल वहाँ पर 1.3 मिलियन लोग है, 1.3 मिलियन एज कम्पेयर टू, मैं अभी जयपुर में हूँ तो जयपुर की पॉपुलेशन 3.1 मिलियन लोग है, और ये सिर्फ एक सिटी है इंडिया में। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, सो दैट्स 1,000 मल्टीप्लाइड बाय एस्टोनियाज पॉपुलेशन। एस्टोनिया की आई थिंक पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ है 37 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, तो एक जने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है एज़ कम्पेयर टू इंडिया का शायद कुछ 370 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो एनी वे, हाँ बहुत छोटी कंट्री है तो इसीलिए ये लोग बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर पाते हैं अपने पूरे पॉलिटिक्स और सोसाइटी के साथ। अब जब एक बार हम फिल्म को देखेंगे ना तो हम कोरिलेट करेंगे कि अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में क्या चल रहा है वहाँ पर, और कैसे वो इनके फोक से भी रिलेट करता है। तो बिफोर वी बिगिन मैं आपको राइनार सारनेट के बारे में कुछ बताता हूँ। राइनार सारनेट मुझे ऐसा समझ आता है कि बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी है, और इंटरव्यू नहीं है इनका कोई भी, मैंने पूरा इंटरनेट छान मान लिया, कई इंटरव्यू नहीं है इनका और इनके बारे में ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं मुझे। पर मुझे बस ये पता है कि 1959 में ये पैदा हुए थे राकवेर, एक विलेज है एस्टोनिया में वहाँ पर, और तलिन यूनिवर्सिटी में ये पढ़े थे, वहाँ पर ये फिल्म स्कूल गए थे, और फिल्म स्कूल में एक्चुअली ये बहुत ही प्रोडिगल स्टूडेंट माने जाते थे, पर ये खुद की प्रोडिजी को प्रूफ तभी कर पाए थे तब इन्होंने नवंबर बनाई। 2017 में इन्होंने नवंबर बनाई थी, पर उसके पहले भी ये एनिमेशन में थे, उसके बाद ये एडवर्टाइजिंग में काम करते थे थोड़े समय, उसके बाद इन्होंने फीचर फिल्में बनाना चालू करी। तो इन्होंने 3-4 फिल्में बनाई, उसके बाद जाके फिर नवंबर बनाई इन्होंने, और नवंबर एक्चुअली उस साल
2017 में एस्टोनिया में रिलीज हुई थी, 2018 में अमेरिकन रिलीज थी इसकी। पर 2017 में एस्टोनिया से फॉरेन फिल्म जो कैटेगरी होती है एकेडमी अवार्ड्स में, उसकी उसकी एंट्री थी एस्टोनिया की। तो ये शॉर्टलिस्ट हुई थी पर ये भी नॉमिनेट नहीं हो पाई थी। और इंटरेस्टिंगली इनफ ये वही साल था जब द स्क्वायर नॉमिनेट हुई थी फॉरेन फिल्म्स कैटेगरी में। और तो उस फिल्म ने इन्होंने इनको बहुत रिकग्निशन दे दिया था। पर नवंबर के बारे में भी इनके ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं है और कई कुछ मिला नहीं मुझे ज़्यादा। नवंबर फिल्म के बारे में मुझे थोड़े बहुत ऐसे फिल्म एसेज मिले थे जो मैंने पढ़े थे, और कैसे वो कोरिलेट करता है इनके पूरे कल्चर के साथ। इनकी फोटोज भी नहीं मिली मुझे ज़्यादा। पर ये जो फिल्म है ये एक्चुअली एक बुक से अडेप्टेड है। बुक का नाम है रेहे पाप 1 नवंबर। तो ये एक एस्टोनियन राइटर है एंड्रूस वेविराक के विराक करके, उन्होंने फिल्म लिखी थी। तो उससे राइनार सारनेत ने फिर ये अडेप्ट करी है बाद में। तो ये जो बुक थी ये भी एक्चुअली बहुत से एस्टोनियन एंशंट फोक टेल्स को यूज करके इन्होंने ये किताब लिखी थी। जो कई कई इनकी जो स्टोरीज होती है ऐसे पुरानी और फेथ्स होते हैं चीज़ों में, जैसे इस पे भी जो आप देख रहे हो ना पोस्टर पे, बुक के कवर पे, ये क्रीचर को क्रैथ कहते हैं। और इस फिल्म के वर्ल्ड में भी ये क्रीचर प्रेजेंट है और इसको क्रैथ कहते हैं। हम थोड़ी देर में ओपनिंग सीक्वेंस देखेंगे तो हम समझेंगे कि क्रैथ क्या होता है। बट बिफोर वी बिगिन मैं बस चाहता हूँ कि आप बिना कोई कॉन्टेक्स्ट के एक बार इस फिल्म की इमेजरी को देखें। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर का नाम है मार्ट टैनियल और बहुत ज़्यादा सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट इमेजरी है इस फिल्म की। पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में है और एक बहुत ही मतलब ग्रिटी सी, और लाइटिंग का भी जो यूजेज है इसमें, ऐसे अगर फ्रेम में कुछ वाइट है तो फिर वो वाइट है, मतलब बिल्कुल स्टैंड आउट करेगा वो। थोड़ी सी और इमेजेस दिखाता हूँ मैं। हम एक्चुअली ओपनिंग सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं, पर मैं छोटा सा वाटर ब्रेक लेता हूँ एक बार। कूल। माधव प्रधान कह रहे हैं अमेजिंग फिल्म विद मेसमराइजिंग विजुअल्स, वुड लव टू सी मोर फोक हॉरर फिल्म्स ऑन दिस चैनल। पर एक्चुअली पता है ये हॉरर फिल्म नहीं है, मतलब तुमने देखी है तो तुम समझ रहे हो कि क्या फिल्म है, पर हॉरर नहीं है यार ये फिल्म। ये मतलब कोई और ही जॉनर है, मुझे भी नहीं पता है क्या जॉनर है। मेगा केका, व्हाट हैपेंड टू द क्विज स्ट्रीम्स ऑन ट्यूजडेज, ये आप वैभव से ही पूछिए। ठीक है कूल, लेट्स गेट बैक टू द इमेजेस। तो यार ओपनिंग सीक्वेंस में हम देखते हैं सबसे पहले तो एक ऐसा मोन्टाज होता है जहां पे बस ये वेयरवुल्फ है उसको हम देखते हैं कि वो स्नो में ऐसा बस लोट रहा है और इधर उधर घूम रहा है, और बहुत ही एम्बिगुअस सा एक ओपनिंग सीक्वेंस है। ये जब खत्म होता है फिर हम देखते हैं कि ये जो क्रीचर है क्रात, यहाँ से जो आप देख रहे हैं जो लेफ्ट राइट साइड से आ रहा है। और मेरे को इस फिल्म की साउंड डिजाइन के बारे में भी बात करनी थी। जैसे ये जो ओपनिंग सीक्वेंस है उसी में जब ये जो क्रात क्रीचर है जब फ्रेम के राइट से अंदर आता है, और अगर आप स्टेरियो साउंड से सुन रहे हो तो राइट साइड से उसकी पहले साउंड इंट्रोड्यूस होगी, और जैसे जैसे ये आगे मूव करता है फिर सेंटर में साउंड आएगी, फिर जब ये फ्रेम के लेफ्ट से बाहर जाता है तो साउंड भी फिर लेफ्ट से ही मूव करके बाहर जाएगी। इतना इन लोगों ने साउंड डिजाइन पे वर्क किया एक एक सीन के। तो हम देखते हैं कि जो ये क्रात क्रीचर है जो बेसिकली एक मेटल ऑब्जेक्ट्स का ये एक अरेंजमेंट होता है, और जो एक पुरानी एक ट्रेडिशन है एस्तोनिया में माउस्क नाम का, तो माउस्क बेसिकली ट्रांसलेट्स टू लैंड फेथ। और ऑल दो एस्तोनिया इज नाउ द लीस्ट रिलीजियस कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब इट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एथीस्ट इन द वर्ल्ड, पर वो काफी पैराडॉक्सिकल है कि वो फिर भी माउस्क में मानते हैं। बट माउस के एक बहुत ही सिंपल फेथ है जो सिर्फ ये कहता है कि हम अर्थ बिलीफ रखते हैं, हम
हम ट्रीज की पूजा करते हैं, जो हम एक्चुअली हिंदुइज्म में भी देखते हैं। मतलब माउस के भी काफी ट्रेडिशन ऐसे होते हैं कि वो ट्रीज के बार्क के अराउंड, ट्रंक के अराउंड ऐसे धागा बांधते हैं, और वो मतलब नेचर की वर्शिप करते हैं ट्रीज के थ्रू और फॉरेस्ट के थ्रू। जैसा मैं कह रहा था कि उनको रिस्पेक्ट है बहुत सारी फॉरेस्ट की, तो वो उनके जो ओल्ड ट्रेडिशंस है वही कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी हमें दिखते हैं। पर उन्हीं ट्रेडिशंस में से एक चीज ये थी क्रात की। तो वो स्टोरी ये थी कि क्रात को आप कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट से अरेंज करके बना सकते हो, एंड यू कैन गिव इट लाइफ, एंड वंस यू गिव इट लाइफ उसके बाद वो आपको सर्व करेगा। उसके बाद जो आप उसको बोलोगे वो करेगा। आप उसको बोलोगे नेबर के घर से चुरा के लेके आ, तो वो भी वो लेके आएगा। आप उसको बोलोगे कि फार्म में मेरे लिए काम कर, तो वो भी वो करेगा। पर द कैच इज कि उसके अंदर लाइफ डालने के लिए आपको अपना खुद का सोल डेविल को बेचना पड़ता है। तो इस फिल्म में भी हम एक डेविल कैरेक्टर देखते हैं जिसको लोग जाके अपना सोल बेचते हैं, जिससे वो क्रात के लिए एक सोल खरीद सके। पर इस फिल्म में हम ये भी देखते हैं जो एक्चुअली बुक में लिखा था, और बुक में ये पहली बार आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ था कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग योर सोल टू द डेविल, तुम्हें बेसिकली उसको एक निशानी दिखानी होती है। तो तुम्हें उसको खून दिखाना होता है। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग हिम ब्लड, व्हाट यू कैन डू इज गेट अ ब्लैक करंट, और उसको तुम पिंच कर लो अपने हाथ में, और फिर उसको तुम वो दिखा दो, और फिर उसको वो टेस्ट करेगा तो ब्लड का टेस्ट आएगा, और फिर वो तुम्हें सोल दे देगा क्रात के लिए। तो इस फिल्म में भी वही होता है। धीरे धीरे आप समझ रहे हैं कि फिल्म का जोन क्या है। बहुत ही ज्यादा पागल फिल्म है। ओपनिंग सीक्वेंस में ये क्रात जाता है एक बार्न में, और वहां पे एक एक गाय होती है। उस गाय को ये एक रस्सी से बांध लेता है, और फिर उसको ये पूरे हवा में उड़ाता है। ये ओपनिंग सीक्वेंस है। अभी तक ओपनिंग क्रेडिट्स भी नहीं आए हैं। ये होता है, उसके बाद वो उसको फार्मर के घर पे पटक देता है, और ये जो एक्चुअली है फार्मर को वो क्रात फिर ऐसे कैद कर लेता है लकड़ी पे। फिर जब फार्मर उससे पूछता है कि क्या हो गया, तो वो बोलता है कि गिव मी वर्क। तो वो बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं होता, और क्योंकि उसके अंदर अभी एक सोल है तो हर वक्त उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो फार्मर उसको बोलता है गो मेक अ लैडर आउट ऑफ ब्रेड, मतलब कुछ भी ऐसा उटपटांग सा काम दे रहता है। तो वह एक्चुअली ब्रेड को ऑब्जर्व करने लग जाता है, फिर लैडर को देखता है, और फिर सोचता है कि मैं कैसे बना सकता हूँ। तो ये पूरा एक मॉन्टाज है जिसमें वो ब्रेड को देख रहा है, लैडर को देख रहा है, ब्रेड को देख रहा है, लैडर को देख रहा है। फिर एकदम से उसका दिमाग खराब हो जाता है, और वो फट जाता है और क्रार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंटेम्प्रेरी एस्टोनिया में, जब मैं कह रहा था कि बहुत ही डिजिटल सोसाइटी बन गई है एस्टोनिया, मतलब पब्लिक फ्री वाईफाई देती है वो। मैंने ऐसा पढ़ा कहीं पे कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरते हो प्लेन से, पब्लिक फ्री वाईफाई को आप एक्सेस कर सकते हो, और फर्स्ट कंट्री टू ऑल्सो होल्ड इंटरनेट इलेक्शंस भी थी है। तो जब ऐसा एक सीन था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वो लोग बहुत रिसर्च करने लग गए। और रिसेंटली एक्चुअली जो एस्टोनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीगलाइज करने के लिए एक लॉ निकाला। लॉ का नाम उन्होंने रखा क्रात लॉ। तो वो लॉ बेसिकली ये था कि अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने लग गए हैं डे टू डे काम के लिए, तो हमें उसको लीगलाइज भी करना पड़ेगा। तो उसको एक लीगल सब्जेक्टिविटी देने के लिए, उसको एज अनदर ऑलमोस्ट पर्सन ट्रीट करने के लिए उन्होंने क्रात लॉ निकाला। और इतने प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी में लॉज अभी तक और कोई कंट्री नहीं निकाल रही है, क्योंकि एस्टोनिया अब ऐसा एम कर रही है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए या फैक्ट्रीज में भी ऑटोमेशन के लिए, जब तक वो लीगलाइज नहीं करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तब तक लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक लोग एफिशिएंट तरीके नहीं ढूंढ पाएंगे एआई को यूज करने के लिए। तो ये जो लॉ था उसका नाम उन्होंने क्रात लॉ रखा था। तो ऑल्दो ये जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है, एस्टोनिया भी एक्चुअली बहुत ज्यादा पुरानी कंट्री है। आप थोड़ा इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि मतलब 9000 BC में शायद फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट थी यहाँ पे, और तब से लेकर आज तक इतने सारे लोगों ने इनको कॉलोनाइज किया है। उसके बाद अब भी जाके जैसी इंडिपेंडेंट हुई है कंट्री, एकदम से इन्होंने वेस्टर्न कैपिटलाइजेशन को अपनाया और डिजिटल एज की तरफ मूव कर गई है कंट्री। और पर लेकिन वहां पर भी जो पॉलिटिक्स है वो भी ऑलमोस्ट एज अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ऑल्दो नाउ दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। पर ये जो लॉ था क्रात लॉ, इसके थ्रू मैं यही बताना चाहता था कि
how their culture and their folk traditions are still a large part of their current narrative. मतलब उन्होंने क्रात लॉ निकाला और लोग समझ भी गए सब लोग कि क्रात का क्या मतलब है. मतलब इतना इनग्रेन्ड है ये पूरा कल्चर उनकी सोसाइटी में. कमिंग बैक टू द इमेजेस, फिर हम इंट्रोड्यूस होते हैं इस कैरेक्टर से जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है. एक रिव्यू में पढ़ रहा था फिल्म का, तो उसमें फिल्म के बारे में ये लिखा था कि दिस फिल्म अवॉइड्स हैप्पीनेस लाइक इट अवॉइड्स प्लेग. तो इस फिल्म में एक सीन भी है जहां पर ये जो पूरी एक सोसाइटी होती है वहां पे प्लेग आ जाता है. तो उस प्लेग को, प्लेग से बचने के लिए वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका अपनाते हैं जो हम बाद में बात करेंगे. पर बेसिकली इट अवॉइड्स हैप्पीनेस लाइक द प्लेग का मतलब ये था कि इस जो पूरी फिल्म की टोन है ना वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है. पर उस समय एस्टोनिया का टाइम भी ऐसा ही था क्योंकि वो लोग सब लोग उसी से स्ट्रगल कर रहे थे. तो जैसे हम देखते हैं कि जब वो क्रात फूटता है तो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहती है इट्स सो ब्यूटीफुल लाइक द क्रिसमस ट्री इन चर्च. उसके रिस्पॉन्स में जो पीछे उसके पापा खड़े होते हैं वो कहते हैं कि आई लाइक स्लॉटरिंग पिग्स मोर. उसके बाद फिर पहली बार ओपनिंग टाइटल आता है और स्लाइड्स आती है. अभी तक बस ये एस्टैब्लिश हो रहा था वर्ल्ड. बहुत ही रैंडमनेस है इस वर्ल्ड में और मतलब कुछ सर पैर नहीं है, पर फिर भी एक प्लॉट तो है इसमें. फिर हम देखते हैं और जो शायद हम बाद में थोड़ी और बात करेंगे, जो एक क्लासिज्म है इस फिल्म का. बेसिकली उस समय जो कैपिटल सिटी थी एस्टोनिया की तलिन, वहां पर, और तलिन की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली. तलिन जो नाम है वो सिटी एक्चुअली जब डेनमार्क ने कॉलोनाइज किया था एस्टोनिया को, तब उन्होंने जो उनका कैपिटल था उसको कब्जे में कर लिया था और वहां पर वो अपने सारे एस्टेब्लिशमेंट्स रखते थे और वहां से वो बिजनेस और पूरा ट्रेड संभालते थे. तो उस समय वो डेनिश टाउन के नाम से जाना जाता था और डेनिश टाउन का ट्रांसलेशन एस्टोनियन में होता है तालिन. बेसिकली इट कम्स डाउन टू तालिन. तो जब डेनिश चले गए उसके बाद भी उस जगह का नाम तालिन ही रह गया. तो तालिन बेसिकली उस समय जो जर्मन मर्चेंट्स होते थे जब जर्मन रूल था 19th सेंचुरी में, उस समय वो अपने सारे जो घर होते थे, अपने जो मैनर्स होते थे, मैंशंस होते थे, वो तालिन में बनाते थे. और जो हम क्लासेज हम देखते हैं कि वो ऑल दो एक बहुत ही जो नॉर्मल लोग हैं, एक बहुत ही वो थोड़ी गंदगी में रहते हैं और बॉक्स के आसपास रहते हैं और अच्छे से नहीं रहते हैं, पर हम देखते हैं फिर ये एक मैंशन भी है सेम जगह पे जहाँ पे जो जर्मन ओवरलॉर्ड्स होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, वो रहते हैं. और धीरे धीरे फिर हम देखते हैं कि उनका घर कितना डिफरेंट है. और वहाँ पर जो एस्टोनियंस काम करते हैं वो बेसिकली सर्व करते हैं उन ओवरलॉर्ड्स को, पर उनकी कुछ रिस्पेक्ट नहीं होती उनके लिए, पर बहुत नीटली ऐसे अरेंज करते हैं उनके घर में ये चीज़ें. पर वो बेसिकली लॉयल नहीं होते उनके लिए. तो उनके घर पे जो ये हाउस हेल्प भी काम करती है वो उनके घर से कपड़े चुरा चुरा के अपनी प्रोटैगनिस्ट को बेचते रहती है थोड़ी चीजों के लिए. मैं एक बार थोड़ी सी बस इमेजेस और दिखाना चाहता हूँ आपको विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, बस सिनेमाटोग्राफी के लिए. एक बार हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं. आरुषि केसरवानी, नेम ऑफ द फिल्म, वेयर इट इज अवेलेबल टू वॉच. नेम ऑफ द फिल्म इज नवंबर. यार ये कहीं अवेलेबल तो नहीं है प्लेटफॉर्म पे, मैंने देखा भी था एक्चुअली, पर अगर आप समझदार हो तो आपको पता है कि इंटरनेट पे फिल्में कहाँ मिलती है, तो वहाँ ही मिलेगी ये भी. और ठीक है, तो फिर हम एक्चुअली देखते हैं जो मैं रिलीजन की भी बात कर रहा था कि धीरे धीरे उन लोगों ने रिलीजन की पूरी रिस्पेक्ट लूज कर दी थी. तो हम देखते हैं कि एक चर्च का सीन है जहां पर जो चर्च में हमको वेफर्स मिलते हैं वो लोग अपने मुंह में डालते हैं, लेकिन फिर जब वो बाहर आते हैं
और जो ये मिस्ट्रेस होती है, जो जर्मन, कौन सा है, जो जर्मन मैंशन में रहती है, वो विजिट करने आते हैं उन विलेजर्स को, तो वो देखते हैं कि वो वेफर्स बाहर आके किसी के हाथ में थूक रहे हैं, तो वो उनसे पूछती है कि व्हाट आर दे डूइंग, तो वो कहते हैं कि दे आर यूजिंग द वेफर्स एज बुलेट्स सो दैट दे विल नेवर मिस व्हेन देयर हंटिंग। तो इस पॉइंट पे रिलीजन इस चीज को रिड्यूस हो जाता है कि वो लोग सर्वाइव कैसे कर सकते हैं रिलीजन को यूज करके। ये वो सीन होता है जहाँ पे वो फॉरेस्ट में होते हैं और वो ये डेविल का कैरेक्टर होता है और डेविल का कैरेक्टर ही क्रैथ के अंदर सोल डालता है। फिर ये इमेज भी जैसे बहुत स्ट्राइकिंग थी। इस फिल्म का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है जब जो हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट होता है, मैं नैरेटिव में क्योंकि इसलिए नहीं घुसना चाहता क्योंकि इस फिल्म में इतना कुछ हो रहा है, इस फिल्म में एक लव ट्रायंगल भी है, इस फिल्म में एक क्लासिज्म का भी पूरा नैरेटिव है, इस फिल्म में एक जो पूरा जैसे एक सोल थियोरी भी है इनकी कि जो इनके फोर फादर्स होते हैं उनको एक ये पर्टिकुलर डे होता है ईयर का, उसमें वो लोग फॉरेस्ट में जाके उनसे मिलते हैं, उनके सोल आते हैं वापस अर्थ पे और उनसे वो मिलते हैं। तो तीन चार नैरेटिव चल रहे हैं ऐसे और इस लव स्टोरी के अराउंड भी वो इंटरट्वाइंड है। पर जो हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट होता है उसको एक पॉइंट पे स्नोमैन मिलता है और ये स्नोमैन वापस लाइफ में आ जाता है और ये स्नोमैन फिर उसको बताने लगता है कि मैं पहले पानी था और मैं पूरे यूरोप में पानी की तरह घूमता था। फिर उसको वो पूरी अपनी मेमोरीज बताता है ऑफ बीइंग वाटर और बहुत ही पोएटिकली, मतलब ये ऐसी बातें करता है कि आइस डीप लाइक टू डार्क स्प्रिंग्स वेयर द वाटर इज बिविच्ड, और बताता है कि मैं ऐसे वेस्टर्न यूरोप में जब पानी था मेरे ऊपर से बोट्स जाती थी और लवर्स बैठते थे बोट्स के ऊपर। जब मैं पहले प्लेग की बात कर रहा था तो जो एक ट्रांसफेरेंस की बात होती है ना, जैसे फिल्म में भी एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में हम कैसे मूव करते हैं, पर इसमें ट्रांसफेरेंस इस चीज में कि एक कैरेक्टर दूसरी चीज बन जाता है। जैसे जब प्लेग का इंट्रोडक्शन होता है इस फिल्म में तो ये एक वुमन होती है और वो बेसिकली एक रिवर के उस साइड पे होती है, तो वो जो आदमी से मिलती है उसको कहती है कि अगर तुम मुझे रिवर क्रॉस करवाओगे तो आई विल रीपे यू विद अ किस। तो जैसे ही वो रिवर क्रॉस करती है शी किसेज हिम बट देन शी बिकम्स दिस गोट, और बेसिकली वो प्लेग का एक पर्सोनिफिकेशन होती है वो, और अब वो प्लेग इस गोट के बॉडी में आ जाता है और वो आदमी मर जाता है। तो उस प्लेग से फिर ये जैसे डील करते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। उसके अंदर जो ये उनका लीडर होता है सोसाइटी का, वो कहता है कि जब प्लेग हमें मिलने आएगा तो हम हमारे पैंट्स अपने सर पे पहन लेंगे, जिससे प्लेग कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और ये एक्चुअल लोग भी है क्या। और वो वही करते हैं, वो सब लोग एक बार्न के अंदर लेट जाते हैं, प्लेग गेट के अंदर से आता है और वो आसपास सब लेटे हुए हैं और प्लेग को समझ नहीं आता कि ये क्या है, तो वो देख के वापस चले जाता है और ये एक्चुअली वर्क करता है उनके लिए। फिर ये एक इमेज है जिसमें वो बस सेलिब्रेट करने के लिए प्लेग से छुटकारा ऐसे बस आसपास में लेटे हुए होते हैं। थोड़े और कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। I have known many people degrade movie being black and white. I feel really bad for them because they definitely miss many gems. हाँ, जुबिन पीक है। पर एक्चुअली पता है ये फिल्म आप देखोगे ना तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेजरी डेलिबरेट चॉइस है एक, मतलब एक एक सीन जैसे शूट भी किया है ना वो पूरा इसी तरह प्लान किया है कि ये व्हाइट और ब्लैक में कैसे लगेगा, लाइटिंग पूरी ऐसे हुई है, उसकी फ्रेमिंग पूरी ऐसे हुई है। सम्राज अग्रवाल, इट फील्स लाइक अ हॉरर वर्जन ऑफ अ कॉमेडी मूवी जेके। हाँ एक्चुअली पता है हॉरर नहीं है ये, मतलब बहुत ही एक अनस्पोकन ह्यूमर है इस फिल्म में। जैसे जो एक नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं ना हम, उसको लेके भी ये लोग इतने सीरियस नहीं है। उस सीन में मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में। आरुषि केसरवानी,
इट्स काइंड ऑफ अ साइको थ्रिलर मूवी इन अ वे. या पर अगेन वो इतनी सीरियस नहीं है, मतलब बहुत ही एक लाइट हार्टेड टोन में है सब कुछ. ठीक है, एक बार हम उस सीन की बात करते हैं. एक सेकेंड. अर्जुन गोयल वॉज द विच इंस्पायर्ड बाय दिस, आई एम नॉट श्योर. पर ये जो इमेजरी है, आई एम श्योर कि एस्तोनिया में बाकी जो फिल्में बनती है उसको काफी इंस्पायर किया होगा इस इमेजरी ने. तो बेसिकली ये जो जो मैं पहले कह रहा था कि एक जो जर्मन मास्टर होता है उसके घर में हम देखते हैं कि कैसे एस्टोनियंस काम कर रहे होते हैं, तो ये वो जर्मन मास्टर होता है और ये उसकी बेटी होती है. इसको बैरनेस बुलाते हैं हम फिल्म में. तो पहली बार इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. ये कहीं बाहर पढ़ने गई भी होती है, अभी ये वापस आई होती है एस्टोनिया में. और इसके पापा एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं वहाँ पे. तो ये जब चर्च में विजिट करने आते हैं तब पहली बार जो हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट है वो इसको देखता है. पर ऑलरेडी ही इज इन लव विथ दिस गर्ल. पर अब वो उसको देखता है तो ही फॉल्स इन लव विथ हर ऑल्सो. तो एक बहुत ही बट वी ऑल्सो रियलाइज लेटर कि शी ऑल्सो लाइक्स दिस बैरनेस, क्योंकि उसमें फिर एक वो पावर डायनेमिक भी होते हैं कि बिकॉज टू देम शी इज वेरी एलिगेंट और एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही फॉरेन फिगर होता है उनके लिए. तो एक वैसा भी फैसिनेशन होता है. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक लव ट्रायंगल बन जाता है इसमें. तो बाद में एक सीन है जब हम देखते हैं कि ये भी जैसे एक इमेज है इसकी. तो ये जो लड़का होता है वो उस जर्मन मैंशन में जाता है और वहां पर जो एस्टोनियन काम कर रहा होता है उसको बोलता है कि मुझे बैरनेस से उसको बैरनेस से मिलना होता है. तो बेसिकली उसके थ्रू वो कुछ काम बनवाना चाहता है. तो उस समय जो ये आदमी होता है वो वहाँ पर काम करता है और वो बोलता है कि मेरे पास बैरनेस के कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, मेरे पास अंडर पैंट्स पड़े हैं उसके उनके. तो वो कहता है कि वाई डू यू हैव हर अंडर पैंट्स, वोंट शी फाइंड आउट. तो कहता है इट्स नॉट हिज बिजनेस व्हाट आई डू विद माई अंडर पैंट्स. तो वो कहता है कि हाउ आर द योर अंडर पैंट्स. तो वो कहता है कि हु एल्स इज दिस लैंड बिलोंग्स टू एस्टोनियंस, एवरीथिंग ऑन एस्टोनियन सॉइल बिलोंग्स टू अस. फिर वो कुछ भी ऐसे जैसे मैं कह रहा था कि जो जब सोवियत रूल को हटाने के लिए एक उनकी नेशनल आइडेंटिटी बनने लग गई थी तब उन्होंने सिंगिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था और एक एज अ कलेक्टिव फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वो खड़े हुए थे अपोज करने के लिए रूल को. पर व्हेन यू लुक बैक एट ऑल ऑफ दैट स्पेशली इस फिल्म में इट्स टोल्ड इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे, मतलब बहुत ही ऐसा टंग इन चीक सा उसका वाइब है. तो कुछ भी वो स्टोरी बना देता है ऐसे कि डोंट यू नो अबाउट आर किंग लेम्बुटू एंड आर एंशंट फ्रीडम्स, दिस यूज टू बी आर लैंड एंड द बैरन्स फोर फादर्स अनजस्टली किल्ड आर किंग एंड बिगैन रूलिंग ओवर अस, आई एम एन एस्टोनियन. तो वो बेसिकली ये जस्टिफाई करना चाहता है कि मेरे पास पेरेंट्स के अंडर पैंट्स हो सकते हैं, उसमें कुछ खराब बात नहीं है, वो मेरी प्रॉपर्टी है क्योंकि लैंड हमारा है ये. डज द बैरन्स अंडर पैंट्स बिलोंग टू मी. फिर वो कहता है कि कैन यू स्नीक मी इनटू द बैरनेस रूम. वो पूछता है स्ट्रेंज डिजायर वाई. वो कहता है इजंट हर रूम ऑन आर लैंड, डोंट आई एज अ डिसेंडेंट ऑफ लेम्बू टू हैव द राइट टू गो इन देयर इफ आई वॉन्ट. फिर वो कहता है दैट्स राइट. तो ये जो एक अनस्पोकन ह्यूमर है इस फिल्म का जिसमें वो इतना सीरियस नहीं ले रहे अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को. ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो एस्टोनिया में ये इन जनरल काफ़ी टची मैटर हो जाता है. मतलब वहाँ पे अगर आप मेंशन भी करेंगे कि रशिया के रूल को तो बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है वो. एज अ रिजल्ट मैं जैसे अगर मेरे से एस्टोनिया के लोगों के बारे में भी थोड़ा पढ़ रहा था तो अपेरेंटली इट्स अ दे आर वेरी क्वाइट पीपल, मतलब दे डोंट ओपन अप टू स्ट्रेंजर्स दैट वेल, क्योंकि जो भी थ्रू आउट हिस्ट्री इतना उनका कॉलोनाइजेशन रहा है तो ट्रस्ट नहीं कर पाते वो लोगों को. पर ये फिल्म जब वहाँ पर रिलीज हुई थी तो इट वॉज अ मतलब अ ह्यूमरस टेक ऑन दैट एंटायर थिंग कि ठीक है, मतलब वट एवर हैपेंड बट अभी तो सब कुछ ठीक है.
एक बार देख लेता हूँ मैं और क्या बताना चाहता था। मैं इस फिल्म के साथ साथ एक्चुअली एस्टोनिया भी रेकमेंड करूंगा। मैंने ये फिल्म क्योंकि देखी थी आई थिंक 2018 में, कॉलेज में एक सीनियर ने दिखाई थी मुझे ये फिल्म, तो तब से मैं इस कंट्री में इंटरेस्टेड हो गया था, तब से मैं इस कंट्री के बारे में पढ़ने लग गया था। और ये फिल्म एक्चुअली 2017 में मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी लगी थी, और सबसे पहले वो इंडिया में वही लगी थी। पर इसके थ्रू फिर मैं एस्टोनियन कल्चर के बारे में बहुत पढ़ने लग गया, एस्टोनियन म्यूजिक के बारे में, स्पेशली उनका वहाँ पर एक जॉनरा है टेक्नो फोक करके। तो अब जो डिजिटल एज में आ गए हैं तो वो टेक्नो म्यूजिक बनाते हैं, पर मतलब इट्स बेसिकली टेक्नो ऑन हार्ड ड्रग्स। तो वो फोक और टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को कंबाइन करके कुछ करते हैं। उनका जो फोक म्यूजिक है उसको वो मॉडिफाई करके टेक्नो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो आर्टिस्ट जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, मैं चैट में भी लिख दूंगा, एक आर्टिस्ट है ऊपस करके, वो भी टेक्नो फोक बनाते हैं, एक फीमेल आर्टिस्ट है मार्जा नूट करके। उनका भी जो म्यूजिक होता है, जो उनकी एंशियंट ट्रेडिशंस और फोक है उनको लेके वो पूरा मिक्स करती है। और मार्जा नूट एक्चुअली उन्होंने म्यूजिक पढ़ा था दिल्ली में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पढ़ने दिल्ली आई थी, और वहाँ से फिर वो वापस एस्टोनिया जाके उन्होंने अपने तरह से म्यूजिक को अप्रोच करना स्टार्ट किया था। पर इन जनरल भी जो एस्टोनियन कल्चर रहा है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है द मोर यू गेट इन टू इट। और जो एस्टोनियन लैंग्वेज भी है, एक्चुअली जब मैं इनकी लैंग्वेज पढ़ रहा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अनलाइक द लैंग्वेजेस ऑफ द रीजन, बिकॉज उनकी आइडेंटिटी इतनी यूनिक रही है और इतने सारे इन्फ्लुएंसेस रहे हैं उन पे जर्मैनिक इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, उन पे सोवियत इन्फ्लुएंसेस रहे हैं। तो उन सब को लेके जो एक मल्टी कल्चरल एक आइडेंटिटी रही है उनकी, उसके अंदर से फिर एक एस्टोनियन आइडेंटिटी कैसे आती है। और लैंग्वेज इनकी मतलब इवन फ्रॉम अ लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे इनके कई कई वर्ड्स होते हैं जिसमें कंटिन्यूस तीन वॉवल्स होते हैं, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। जैसे अगर मान लो कोई वर्ड है लीर, तो उसमें एल ट्रिपल ई फिर आर, तो उनके प्रोनाउंसिएशन भी फिर ऐसे होते हैं। और आप फिल्म में भी जब ये लैंग्वेज सुनेंगे तो बहुत ही एक स्वीट सी, बहुत ही प्यारी सी लैंग्वेज है। तो आप एस्तोनिया को भी पढ़िए, और नवंबर भी आपको कहीं मिल पाए तो आप प्लीज देखिए ये फिल्म। मैं एक बार थोड़े कमेंट्स और पढ़ लेता हूँ। द प्लेग सॉल्यूशन लुक्स लाइक समथिंग आउट ऑफ अ मेल ब्रुक्स मूवी। हाँ, समथिंग लाइक दैट। मेगा कैका, कैन यू सजेस्ट द मूवी अप फ्रंट, विल वॉच एंड कम। हाँ यार, हम वो भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगले एपिसोड का मैं पहले ही बता दूँ तो बेटर रहेगा, शायद स्पॉइलर्स भी नहीं होंगे इतने। ठीक है, कूल। चलो इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, अगले एपिसोड में हम मिलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। बाय बाय।